अनुज मोबाइल भी चले ना अनुज तो कहीं ना कहीं आप भी बोल रहे कि शादी मतलब फिक्स हो सकती है साल मतलब कुछ हो सकती है मुझे तो उनकी खुद की जोड़ी लॉकअप में हमारी एक तो हमारी गार्डन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जो हमारे जेलर साहब है वो अति उत्तम सर बोलता है वो जो एक जैसे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की पर्सनैलिटी एक जो जोड़ी है बॉलीवुड बहुत ही ज़्यादा कामयाब है और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वैसे हमारे छोटे पर्दे में हमारे जेलर साहब और हमारी गार्डन जो है इनकी जोड़ी मैं नंबर वन पर देखता हूँ। सर हाल ही में रणवीर सिंह सोशल मीडिया पे आग लगाई आग के धुएं निकाल दिए और मतलब कहते हैं कि वो रॉकेट हैं जिनमें हम लोग वो रॉकेट हैं जिनमें पंचर नहीं लगते और मैं रणवीर सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रहा था यार मैं एक स्टोरी डालूँ इंस्टाग्राम पे जिसको मैं लिखूँ कि मैंने कहा बाबा अब तक तो आपको फॉलो करते आए हैं सारे तो अब तक आपकी सारी चीज़ें फॉलो करी हैं अब ये फॉलो करूँ कि ना करूँ तो वो रणवीर सिंह है वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी नहीं अभी कभी कुछ थी यार माँ बाप हमारे वही हैं जिंदगी में पहला शो मुझे मैंने एंड मॉल के साथ किया था अपना लास्ट एंड मॉल के साथ किया अपना अगला भी एंड मॉल के साथ ही करना नया सीजन थोड़ा लेट हो गया इस बार शायद पता नहीं ही सर्वोत्तम था इसलिए इस बार थोड़ा लेट कर दिया लोगों ने ऐसी खबरें आ रही क्या कहना बेस्ट है मतलब देखो रन जैसे होता है ना कि एक बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड सलमान खान साहब ने शुरू किया था और जो रणवीर सर है ही इज़ अ लेजेंड फॉर अस उन्होंने जो जिस तरह से स्किल्स लोगों को बनाया है एक बिग बॉस को जैसे सलमान खान साहब ने बनाया तो वो भाई का घर बन गया उसका नाम बिग बॉस बाद में पहले वो भाई का घर है जैसे हमारी रानी की जेल है तो वो जो उन्होंने शो जो वो एक लेजेंड होता है हमारी नज़र में स्किल्स लोगों को बनाने वाले रन सर है कोई भी आए अच्छा अपने आप में सर्वोत्तम करेगा पर एक हमारे लिए मेरे तो रन सर लेजेंड है That's what I feel. Thank you. मैम लुक दिस साइड थैंक यू और आज बिकॉज़ बारिश हो रही है सो मच यू नो लाइक
सो हैवी थी तो ऐसे ही आ गई बिकॉज इट्स नमिता'स बर्थडे सेलिब्रेशन सो लाइक ओके नमिता का जन्मदिन है क्या कहना चाहोगे कम उम्र में यार बनना और क्या कहना चाहोगे शी इज अमेजिंग हर हमने देखा आपकी जर्नी जब शुरुआत ही हुई थी बहुत मुश्किल भरा था आपका जर्नी वो समय आपको याद हो होना क्या आपको लगता है कि फिटनेस के वजह से ज्यादा कॉन्फिडेंट फिटनेस मेरी बॉडी ऐसा ना हो जाए खाना छोड़ देते क्या कुछ क्या कहना चाहोगे सी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से लाइक यू नो सब अपना डेस्टिनी में लिखा कर लाते हैं कि हाउ फार द पर्सन इज गोइंग टू बी योर और एंड यू नो लाइक इट्स वेरी सैड न्यूज बहुत बुरा लगा था मॉर्निंग से वही देख रही थी सो बट यू नो लाइक स्ट्रेस एक चीज़ है जो हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो गया है और जब हम स्ट्रेस बीट एक्सरसाइज एवरीथिंग हम लोगों की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर फिट भी रहना है काम भी करना है यू हैव टू मेंटेन योर स्टेटस एंड एवरीथिंग सो यू नो लाइक इतना प्रेशर होता है उससे ना बहुत ज़्यादा पीपल गो इन प्रेशर बहुत टेक टू मच स्ट्रेस बहुत टेंशन आ जाता है लाइफ में आई थिंक दिस इज समथिंग इफ वी कैन अवॉइड एंड if we focus more on ourselves and then into work so we can I think that again if we can live little longer but we cannot fight destiny again I believe in destiny so I believe everything is true by the any upcoming project to share karna chahega red ho raha hai new upcoming work ho raha hai shop that out again we will be shooting that film in London so this three films red jaise red is about to release and next two films भाई जी हाल ही में रणवीर सिंह और सोशल मीडिया पे पोस्ट किए और सोशल मीडिया पे आग लगा दिया हम सब जल गए लेकिन पायल जी आपको आईटी में कुछ खराबी आदत किया मुद्दा फैला रहे रणवीर सिंह सबका अपना अपना चॉइस है अपना प्रोगेटिव है अपना वे ऑफ थिंकिंग है उसकी ओपिनियन है सो आई डोंट वांट टू गेट इन टू दैट अगर आप मुझे बोलोगे तो आई विल अवॉइड दैट बट ही इज फाइन ही इज वेरी बोल्ड एंड ही इज वेरी ओपन सो ही लाइक इट इट्स हिज लाइफ ही कैन नेम हिज लाइफ अवे लुकिंग प्रीटी मैम आ जाना अरे तू बर्थडे गर्ल है आजा भाई शिमर कहाँ है गधे का अवार्ड किसको देना है गधे का अवार्ड किसको देना है तेरा फेवरेट डायलॉग है नहीं भाई साहब ये तो अभी कल्याण ने टिकट भेज दिया वीजा भी नहीं भेजा है हम लोग हमारी टिकट ही करके जा रहे कल सुबह काम है ना अभी आज मेरी फ्रेंड स्वीटा डार्लिंग बहन नमिता का बर्थडे है और ये हमारे लिए बहुत काम करती है शी इज़ अमेजिंग मतलब आइफा से लेकर यू नो आबू धाबी से लेकर मुंबई तक ये हर जगह अभी राखी इज गेटिंग टू अवार्ड्स आर मिड डे एंड दादा साहब फाल्के में या थैंक यू नहीं शी इज स्वीटहार्ट एंड शी इज डूइंग वेरी गुड पूरा शिमर एंटरटेनमेंट है इनका एंड शी इज़ अमेजिंग शिमर में कौन कौन है तस्नीम और नमिता कभी मैं तस्नीम के बर्थडे पे आती हूँ कभी नमिता के बर्थडे पे आती हूँ तो साल में
दो दो बर्थडे मनाती हूँ। हमारे कलीग है, हमारे फ्रेंड्स है, तो आना बनता है। वैसे हम लोग ढंग के कपड़े पहन के नहीं आए हैं, बट जब से विजय हीरो ने 199 की चप्पल पहनी है, वो पिंगरी फिल्म ना, डिंगरी, टाइगर, लाइगल, अगली, हाँ अगली पगड़ी, पगड़ी पगड़ी वो है वो ना, हाँ वो अगली पगड़ी, अभी नीचे का तो नहीं देख पाओगे आप लोग। थैंक यू। तो देखो वो 199 की चप्पल पहन के इतना बड़ा हीरो भाई करण जौहर का, बताओ। और मेरा हीरो कम थोड़ी ना है उससे भी। आदिल मैं बोल रही हूँ, कब से आप कब बोलोगे? मुझे चुप कराओ। जब राखी बोलती है तो मैं कहाँ बोलूँ, ये बोलती रहती है, शाम हो जाती है, सब कुछ राखी तो बोलती है। ओके छू पापा, बोलो। अभी मैं बोला चप्पल पहनाओ, जाने दो, ये बोलता लाइगर वो ये करण जौहर, मैं क्या बताऊं अभी। आजकल फैशन है हीरो चप्पल। सॉरी, हमारी हीरोइन तो एवरग्रीन है, हर हमेशा अच्छी रहती है और हंसाती रहती है, एंटरटेनमेंट है, 24 घंटे मेरे को हंसाती है। देखो अच्छा है ना, दुनिया भर में बीवियां और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों को रुलाती है, तुम सब रोयले रोतड़े लोग दिख रहे हो। देखो सिर्फ मैं एक हूँ जो इनको हंसाती हूँ, तुम लोग सब सुकड़ बमिल चूसे हुए आम दिख रहे हो। देखो तुम्हारा खून चूसती है गर्लफ्रेंड है, मैं तो प्यार करती हूँ। बर्थडे गर्ल आओ, नहीं 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 माँ, गोली मारो नेगेटिव चीज को, मैंने सिर्फ पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। आदिल इज माय, वी आर गोइंग टू मैरी एंड हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे और हम बहुत अच्छी लाइफ निकालेंगे। हो सकता है डेफिनेटली करण जौहर जी के साथ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बोल नहीं सकते, यू नो, आप समझ रहे हो ना, तो बेटर है कि अवार्ड के बारे में पूछो ना, उनको अवार्ड मिल रहे हैं, दो अवार्ड, उसके बारे में मुझे अवार्ड मिल रहा है देश को जागरूक रखने का, देश को जगाने का, देश को हंसाने का। कौन आया? राखी जी, विशाल है, विशाल। वही वाला क्या, एक ही है भाई मेरा जो दुबई में मिला था, वही है ना, ये वही एक ही है मेरा, एक ही लाता है। विशु तू ऐसा करता है, ये वही है कैसे करता है तू, मेरा एक ही लाता है। वो मिला था मैं दुबई में, आईफा में भी था। हाँ तो तभी नया था ना, अभी कंफर्म किया कि यही है, अभी यही है। मेरे मरते दम तक, कब्र में जाने तक विशाल यही रहने वाला है। तो मतलब 200 साल तक, मैं 200 साल तक जीऊंगी, 300 साल तक मुँह में सारी मिठाइयां, लड्डू वड्डू सब कुछ। ये अकेली है जो बिग बॉस के पहले सीजन से, मैं बिग बॉस 200 में भी जाऊंगी। ऐसे ये बिग बॉस में, अगर बिग बॉस खत्म भी हो गया, हमारी पीढ़ी उधर पीढ़ी जाएगी ना, बिग बॉस में पेड़ रहेगा उसके ऊपर लटकी हुई लगेगी। और पेड़ से ऊपर से बोलूंगी मैं हो राखी सावंत, तू कहां जा रहा है यार, आ रहा, तू खत्म कर इसका, खत्म नहीं होगा, चालू हो गया। सो गाइस, कोई और क्वेश्चन है बचा हुआ? विक्रम और बेताल, भाई का तो जो आएगा फिल्म तो अमेजिंग ही होगा। एक्चुअली मैंने आज फोन नहीं देखा क्योंकि मेरा प्रीपेड खत्म हो गया है, आज मेरा फोन ही नहीं चल रहा। अभी मैं प्रिपेयर कराऊंगी, मेरा फोन ऑन होगा, मैं सारे ट्रेलर देखूंगी। तुम्हारा फोन पोस्टपेड है? हाँ, तुम्हारा फोन बिल का है? मेरी फोले क्यों खोलता है पापा? नहीं नहीं, वो बिल का है, मेरा सारा रिचार्ज यही करवाते हैं, मेरा रिचार्ज यही करवाते हैं। ही इज माय स्वीटहार्ट, ही इज माय बैटरी ओनली, विदाउट हिम आई एम फुस, ही इज माई बैटरी। ये मुझे सिर्फ हाथ लगा दे, ये मेरी चार्जर है, ये मेरी बैटरी है, ये मेरा कनेक्शन है, ये मेरा पापा, हाथ लगाओ तो।
लगा के रखो। ओके बाय एवरीवन, सी यू। तो सात जन्मों के आज ही सवाल पूछ ले सारे। चलो हाँ जी, हाँ क्या, हाँ बहुत बड़े कीड़े ने काटा है इसका, इसका इसके भी, इसको भी बहुत बड़ी कीड़ी ने काटा है काटा काटी। चलो बोल बाप, कैसे हो सब? तो मिल गया जगह, खत्म बोलो। मैं फ्री का केक खाने के लिए कहीं भी चला जाता हूँ, मतलब अगर आपके बर्थडे पे भी बुलाओगे और केक फ्री में होगा तो मैं आ जाऊँगा। बट वैसे नमिता इज़ वेरी क्लोज और हमेशा अच्छा लगता है। बहुत बारिश हो रही है, आमतौर पर हम लोग मुंबई कर इतनी बारिश में कहीं आते जाते नहीं है, लेकिन नमिता का बर्थडे तो आना तो बनता है। तो आई एम हियर एंड आई विश हर ऑल द हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। अरे उसके लिए मैं ही गिफ्ट हूँ, ऐसे मैं खुद खुद को रैप कर। मिडडे अवार्ड बाय द वे। यार मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो लोगों का प्यार है यार, जहाँ भी जाता हूँ इतना सारा प्यार मिलता है, मतलब आईफा तक पहुँच गया, यही खुशी है। अवार्ड आते रहेंगे, काम अच्छा करते रहेंगे, अच्छा काम करो लोग पसंद करें, वही अवार्ड। मेरा प्ले कल रिलीज हुआ है, थ्री चेयर्स, विच वॉज अ ह्यूज ह्यूज हाउसफुल यस्टरडे एट राम शारदा। और नेक्स्ट शो होने वाला है 31st को NCPA में, उसके बाद हम जाएंगे अहमदाबाद। उसके अलावा अजय एक फिल्म अभी अभी कंप्लीट की है, विच इज़ अ मराठी फिल्म कॉल पार्टनर्स, जो जल्दी आएगी, पोस्ट प्रोडक्शन में है अब वो। उसके बाद ये प्ले, फिर जो भी अच्छा काम हो करूँगा यार। लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग समथिंग वेरी बिग दैट विल कम सून। दीपेश और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, हमने एक शो किया था डार्लिंग आई लव यू टू, जिसमें ही प्लेड माय वेरी क्लोज फ्रेंड। तो इट केम एज अ शॉकर, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले आईटी अवार्ड्स में मिला था यार। फिट लड़का था, हंसमुख लड़का था और हमेशा सबको हंसाने वाला लड़का था, तो इट केम एज अ शॉक। बट सच इज लाइफ, अब कोविड के बाद तो धक्का लगना ही बंद हो गया है, मतलब जस्ट खुल के जियो और जो भी वक्त है इस दुनिया में वो सबको हंसाते रहो। यार बॉडी अच्छी हो ना तो वैसा फोटोशूट कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है, टू इंच जोन, अगर कोई अपने स्किन में कंफर्टेबल है, कोई करना चाहता है तो व्हाई नॉट। अगर बॉडी अच्छी है, मुझे रणवीर सिंह बहुत हॉट लगा उस पिक्चर्स में, एंड आई रियली फील दैट इफ यू हैव अ गुड बॉडी यू कैन गो एट ही। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बींग वल्गर एंड बींग क्लासिक, सो ही क्लिक्स इट इन अ वेरी क्लासिक वे, इन अ वेरी वेरी नाइस वे, एंड एज लॉन्ग एज इट्स नॉट वल्गर एवरीथिंग इज गुड। गॉड ब्लेस। बोल बाप। हेलो, देखो दोस्त के बर्थडे पे हैं तो वही गाना है अपना पुराने वाला, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। हम चाहते हैं काफ़ी जीती रही हैं और ऐसे लोगों की दुनिया में कमी है, क्योंकि बहुत स्वीट हैं, तो मैं चाहता हूँ लाखों साल जिए। क्या करना चाहूँगा, दिल देना चाहूँगा मैं इनको अपना, नमिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मैं अभी आजकल टीवी नहीं कर रहा हूँ कुछ टाइम से, मैं अपना बिजनेस सेटअप करने में लगा हूँ बॉम्बे में। दिल्ली, वैसे मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में तो हम सॉर्टेड हैं, तो थोड़ा बॉम्बे में भी सॉर्ट कर रहा हूँ चीज़ें। एंड मैं बार्स एंड नाइट क्लब्स की चेन खोल रहा हूँ और प्रोसेस में हूँ, एंड आई थिंक बड़ी जल्दी विद इन अ मंथ और सो मैं खोल दूँगा और फिर आप सबको बुलाऊँगा और हम सब साथ में पार्टी करेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ भाई, मुझे नंगे लड़के देखने का कोई शौक नहीं है। Happy birthday, Namita. A very happy birthday to you. And I hope you keep working and you keep getting successful. And it's nice working with you. मैं ऐसे कोई content post नहीं करती हूँ। I don't think I would call my videos content क्योंकि मैं exactly content post नहीं करती हूँ। But I do what my people like and sometimes what I like. तो हाँ, तो इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता है, बस जो फैंस को चाहिए होता है कि यार आप ये एक बार बनाओ, अगर कुछ DMs आते हैं या मेरा मन भी करता है कि हाँ शायद ये मेरे लोगों को अच्छा लगेगा, सो आई मेक दैट। बहुत सपोर्ट मिला, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को एंड अच्छा लग रहा है मुझे। वो पहले भी मुझे अप्रिशिएट करते थे, अभी भी करते हैं। बस वो तो रहता है कि मैं कुछ नया ही पहनूँ हर बार, यही है मेरा कि कुछ भी हो, भले वो इवेंट हो या शूट हो, कुछ भी हो, आई कीप वेयरिंग न्यू थिंग्स, सो माय पीपल लाइक इट। बहुत जल्द, बस अभी थोड़ी बहुत चल रही है कुछ प्रोसेस, कुछ खुद का भी थोड़ा और खुद को चेंज करना बाकी है, तो एक बार अपने पे वर्क कर लूँ उसके बाद काम कर लूंगी। वेलकम। हाँ जी, आप तो फिर मिल जाते हैं लेकिन राहुल नहीं मिलते, इसलिए तो आज मैं खींच के लेके आई हूँ। सर मेरी जो हालत हुई है ना, सीधा शूटिंग कर रहा था सुबह से, घर आया हूँ, इनके मैसेजेस आए, इनका जन्मदिन है, ये नमिता जी हैं हमारी और इनके लिए आए हम लोग। इनको जिम से ऐसे खींच के चलो चलो बंद हो जाएगा ऐसे। कल मेरी सर 7 बजे की शिफ्ट है, वो भी बोरी वाली। लगता है कि यार रिलीज़ आ रही है, जो भी रिलीज़ आ रही है उसमें भी ऐसा हो गया है फॉर्मेट रिलीज़ का ना, कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि यू हैव टू डू अ पीआर एक्सरसाइज, और अगर साल की आपकी 4 रिलीजेज हैं उसके बाद कुछ कहने को मतलब ही नहीं है कि यू नो व्हाट। आजकल लोग एयरपोर्ट जाने के लिए भी करते हैं, तो आई हैव टू टेल हिम कि करो, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, इट्स हाउ इंपॉर्टेंट इज इन व्हाट बुक्स आई जस्ट राइट नाउ इवन यू नो एयरपोर्ट। सी यू एंड आई फील लाइक वी बिलोंग टू द सेम एज ग्रुप, सो वी आर फ्रॉम द सेम टाइम एंड एरा, and I don't think it was that important to dress up in a certain way to go to the airport. You're anyway stressed out, you know, a flight to catch. Mere aisa aadmi normally late hi hota hai, mushkil se chadh jata hu. Ji ji, but it's also very lovable, it's fantastic to be that way, and I think you have to move with the times. Today I think a PR is very 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 essential for anybody. God forbid kisi ko health ka issue ho gaya, abhi piche kuch hua na aisa, तो उसमें एक पीआर कैन सेव यू बाय यू नो टेलिंग आउट द राइट थिंग, सेंडिंग आउट द राइट मैसेज इन टाइम,
so that the work of the person, whoever is in question, is not hampered that much. If there's a clarification needs to be made, again the PR is very, very vital and very, very important. Yes. Of course, and also to take you to the audiences, sometimes when you want to share your part of your life, you want to share some things which are coming in terms of the work front or on a personal front. And the right kind of PR helpful. Is very important, the channeled, because aajkal social media, everything is so out there. So it's very important to have little controlled and what you want to, what you are actually, you know, aisa nahi ki kaha suna. नहीं, हम रणवीर आलिया की बात करते हैं, हम दीपिका रणवीर सिंह की बात करते हैं, मुझे यू नो सबे डाउन आने लाइक विद अ परफेक्ट कपल, और क्या आप दोनों की केमिस्ट्री, जब मैं आप दोनों की केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो क्या आप एक दूसरे से बिना कहे एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं कि हाँ ये कहना चाह रहे हैं या ये कहने वाले हैं या ये करने वाले हैं? आई डोंट नो अबाउट हिम, बट मैं उनको देख के समझ जाती हूँ कि अभी क्या करने वाले हैं. तो जैसे इनको पता है कि मुझे अभी एक एक्सप्रेसो की ज़्यादा तलब है, वो गए हुए हैं इमरान मियाँ हमारे जो है साथ में, एक एक्सप्रेसो आ जाएगा. पर मैं ना रातों को मेरे से जगह ही नहीं जाता यार, सुबह सुबह इतना काम करना पड़ता है कि बिल्कुल. थैंक यू सो. He's been here for a good amount of time. He's proved himself. Now again, an actor has to prove himself with each project, and he's doing different roles. And it's not about those. पहले होता ना एक villain आ गया. Now it's a different thing. He's doing a very interesting characters like people Wazir Khan जैसे. Yeah, I think I'm very thankful to Atul Kasbekar, हमारे दोस्त हैं, बहुत करीबी. जनरल एक मीटिंग हुई थी निखिल अडवाणी साहब के साथ एक रेस्टोरेंट में. कभी ऐसा लगा नहीं था कि कोई काम वाम करने वाले हैं, कि ऐसे ही बैंटर हुआ था. एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम फॉलोइंग वीक एंड ही वाज वेरी काइंड. इन फैक्ट ही हैज गिवन मी अनदर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. दिस काइंड ऑफ रोल्स आर सेटिंग अ डिफरेंट लैंडमार्क. एंड आजकल ये रोल्स बन रहे हैं, करने का मौका मिल रहा है एक्टर्स को बिकॉज ऑफ द ओटीटी एंड अ न्यू सिनेमा. सो आई थिंक सिनेमा हैज चेंज्ड अ लॉट, यू नो, इट्स मोर डीपर. स्टोरी टेलिंग इज बिकम मच बेटर. और जहाँ स्टोरी टेलिंग नहीं होती, इवन द स्टार्स कांट सेव यू, यू नो. सो इट्स बिकम लाइक दैट, व्हिच इज गुड. समबडी लाइक यू नो अकेलिको ऑफ राहुल एंड या दे आर बेस्ट टू वर्क विद, वेरी सॉर्टेड पीपल. अच्छा, वेरी सॉर्टेड. मेरे को साथ कोई नया प्रोजेक्ट आने वाले, साथ में कोई साथ में ना आप बनाइए ना, साथ में करते हैं एक प्रोजेक्ट. नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिकॉज यू नो जब से आए हैं वो लोग तो क्या हो गया कि एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं होता कि वो डराने वाले रोल्स मिलते हैं, ऐसे रोल्स मिलते हैं अभी विच आर लाइक यू नो विच आई रियली वांट टू डू अदर काइंड ऑफ रोल्स. ओके, थैंक यू गाइस, एंजॉय आपकी, एंजॉय योर. और आप लोग इनको जानते हैं कि नहीं? ऑल द होर्डिंग, द होर्डिंग किंग. जितने उसमें कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे नहीं पहचानता है. थैंक यू गाइस, थैंक यू. सिमरन प्लीज या मेक देम सिट अप प्रॉपरली. हैप्पी ब्राइट बर्थडे बोलना चाहता हूँ. थैंक यू योगेश जी. तो मैं तब से जानता हूँ जब उन्होंने लाइफ का करियर चालू किया था. बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है और डिसिप्लिन वाली लड़की है. और मैंने इनके अंदर एक वो जुनून और जो बर्निंग डिजायर है देखी है कि हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है. और इसके बहुत अभी अच्छे कॉन्टेक्ट हो गए और बहुत बड़ा नाम हो गया. मैं बोरीवली इधर से एक घंटा दूर रहता हूँ, लेकिन इन्होंने फ़ोन किया स्पेशल आपको आना है, तो मैं दो मिनट के लिए बर्थडे भी स्पेशल इनके लिए आया. और इनका फ्यूचर ब्राइट अवे है. योगेश जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लिए यहां मौजूद है. योगेश भाई को भी किसी ताल्लुक की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं योगेश लखानी द ब्रांड. क्या कहना चाहेंगे? ही इज़ सो बिग आज की, यू नो, कौन नहीं जानता योगेश जी को. इनफैक्ट वेन वी यूज टू गो टू हिज ऑफिस, यूज टू गिव अस घर का खाना, यू नो. एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड नोइंग अस. एंड फिर योगेश जी पहले तो फोन भी नहीं उठाते थे, पर जब से हमारी फिर उसके बाद ही इज बीन सपोर्टिंग अस. थैंक यू योगेश जी. थैंक यू. कौन कौन आ रहा है चले?
जरूर जरूर आऊंगा सर, आपको थैंक यू जरूर, हाँ जरूर आऊंगा। हाँ बोलो सर, I would like to wish Namita all the very best for her birthday. She's very, very sweet. She's handled my PR before and she's a very sweet girl and I've just come to wish her. I'm sorry I'm late because I was doing Khattar ke Khiladi just now. So I thought I'd jaldi aaunga usko milne ke liye, wish karne ke liye. But I wish her all the very best and I'm sure she'll be rocking here. So Khattar ke Khiladi ke baad mein, you are rocking in Khattar ke Khiladi. Thank you so much. Rajiv, बहुत मज़ा आया, बहुत स्केरी भी था, बट आई एम ग्लैड कि मैंने सबको रॉन्ग प्रूव किया कि सबको यही लगा था राजीव पहला हफ्ते में आउट हो जाएगा, बट अभी तो देखो मैं शो में हूँ ना और मैं सर्ट कर रहा हूँ, बट इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, थिंग्स मैंने सोच भी लाइफ में मैं करूँगा और डिड इट एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी कि खतरों के खिलाड़ी इज नंबर वन रियलिटी शो इन इंडिया द मोमेंट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन टीआरपी वाइज इन इंडिया द मोमेंट, सो आई एम वेरी हैप्पी। ऑफकोर्स प्लान तो कुछ नहीं था मेरा, ऐसे अंदर है मतलब मस्ती करने के लिए, यू नो ऑन द सेट एंड द गुड थिंग इज दैट रोहित सर वाज आल्सो बाउंसिंग ऑफ मी इन कॉमेडी, तो अच्छा लगता है कि जो होस्ट आपके साथ बाउंस ऑफ करते कॉमेडी में और वो बहुत खुशी मिली, तो आई थिंक आवर कनेक्शन इन द शो इज वेरी गुड एंड आई थिंक सबको पसंद आया एंड और भी हंसी और भी एंटरटेनमेंट बाकी है। थैंक यू सो मच। मैं वीट कर रहा हूँ उसको, भाई ये क्या बात है। देखो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि कॉमेडी एक चीज़ है जो आई ऑलवेज फील कि द हार्डेस्ट थिंग लोगों को हंसाने के लिए, सो हार्डेस्ट थिंग टू डू, तो मैं लोगों को हंसाता हूँ एंड आई रियली फील दैट यू नो आई थिंक यू नो पीपल मेक पीपल लाफ, सबको लोग सब लोग को हंसाने के लिए बहुत मुश्किल काम है। आई एम सो हैप्पी मैं सबको लोग को हंसाता हूँ बिकॉज आई फील सब लोगों को खुश दिलाने के लिए थ्री पीपल हैप्पी ना वो भगवान तक पहुँचते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। मैं सबको मिलता हूँ प्यार से मिलता हूँ, आई नेवर जज एनीबॉडी, मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ यार। आई थिंक बिग बॉस में भी यहाँ भी और मैं जाके शो में जाऊँगा, आई थिंक यू नो पीपल हैव अ वार्म टुवर्ड्स मी, वार्म टुवर्ड्स देम एंड आई थिंक वी गेट अलोंग जेन्युइनली, बट आई लव ऑल द कंटेस्टेंट्स, आई लव ऑल द कंटेस्टेंट्स बिग बॉस आल्सो एंड आई एम हैप्पी दैट यू नो आई हैड फन विद ऑल ऑफ देम, मुझे बहुत अच्छा लगा। It was very, very sad. I think it's very sad, and especially when someone has worked so hard in the industry, dies so suddenly. So my thoughts and wishes are with his family, my sympathies, and I really my thoughts are with him. His family is really sad. Huh? देखो, I feel you know what Ranveer Singh is very bold and very courageous. I think सबके अपने अपने decisions in life में I am. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अप टू हिम एंड आई थिंक उसे कुछ बुरा नहीं किया, आई थिंक इट्स अप टू हिम, इट्स अ स्टेटमेंट एंड इट्स अ मैगजीन कवर, आई थिंक यू नो आई एम फाइन विद इट, यू नो इट्स नथिंग बैड इन दैट, इट्स अ स्टेटमेंट पीस फॉर मैगजीन, यू नो आई ऑलवेज बिलीव बी वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन एंड आप जो आपका खुद का शरीर में और खुद के स्किन में कंफर्टेबल होना तो दैट्स फाइन एंड लोग जज करेंगे, आप अच्छा करोगे यू डू गुड थिंग्स लोग इसमें बुरा सोचने वाले हैं, आप बुरा करो तो फिर वो भी बुरा बोलेंगे, तो आई थिंक यू नो यू शुड थिंक अबाउट द ट्रोल्स एंड हेटर्स, just do your thing and be happy, बस खुश रहो। yeah thank you so much। राजीव